दोस्तों अगर आप रवि शास्त्री की बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आपको बता दें कि रवि शास्त्री ने विराट के चौथे टेस्ट ना खेलने पर एक कमेंट किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 27 को मेज़बान टीम के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे से पहले कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो रविवार को प्रैक्टिस मैच में बेहतरीन पारी खेलकर उन्होंने अपनी मैच फिटनेस का ट्रेलर भी कंगारुओं को दिखा दिया है। दोनों टीमें वनडे के 3 T20 और 4 टेस्ट मैच भी खेलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विराट कोहली टेस्ट सीरीज में 19 दिसंबर से एडिलेड में खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच खेलकर भारत वापस लौट जाएंगे। विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा गर्भवती हैं और विराट इसी के कारण बेस्ट सीरीज से भारत वापस लौटेंगे। विराट के दौरे से हटने को लेकर अलग अलग विचार आ चुके हैं। कोच रवि शास्त्री सहित कुछ लोगों ने विराट के फैसले की आलोचना की है, तो कपिल देव ने गावस्कर का उदाहरण दिया है और जब रोहन का जन्म हुआ था तो गावस्कर विदेश में खेल रहे थे। वहीं रवि शास्त्री ने अब ये भी खुलासा किया है कि अगर 14 दिन के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना होता तो विराट चौथा टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जरूर लौटते। शास्त्री ने कहा कि वो ये मौका है जो जीवन में एक बार ही आता है और कोहली के मैं साथ हूँ। अगर कोई बड़ी मजबूरी ना हो तो कोहली मैच से हटने वाले शख्स नहीं है और अगर ये क्वारंटाइन नियम नहीं होता तो कोहली चौथे टेस्ट के लिए जरूर लौटते। भारतीय कोच ने कहा कि पहला टेस्ट खत्म होने और चौथा टेस्ट शुरू होने के बीच 24 दिन का समय है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़े कड़े क्वारंटाइन नियम हैं और इस 14 दिन के नियम का पालन करना कोहली के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब ये है कि अगर कोहली को चौथे टेस्ट में खेलना था तो उन्हें 31 दिसंबर या 1 जनवरी से पहले ऑस्ट्रेलिया लौटना होता, लेकिन वो नहीं लौट पाएंगे और टेस्ट वो चौथा नहीं खेल पाएंगे। इस पर दोस्तों आपको क्या कहना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।